आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। असंगठित कामगार उनका लेटर है, जो महिला है उसका लेटर है। हमने जब यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 2019 में गए, हम चार पांच लोग ऐसे थे जिन्होंने जातिवाद पार्टी में ना जाते हुए हमने राष्ट्रवादी को जिंदा रखा। हमने डिविजनल कमिश्नर में लेटर दिया और ये उनके पुरावे के साथ उसकी काफी हमने शरण कुमार साहब पार्टी चाहते थे। और हमारा बोलना यह था कि यार कॉर्पोरेशन एक्ट को जो 1949 की कलम 5 जो बोलती है कि अगर कोई पार्टी कोई आदमी पार्टी छोड़ के जाता है तो जो ग्रुप वो बचेगा जो वही उसका मूल मालिक रहेगा। एक्ट को 5 ऐसे हमने वहाँ पिटीशन दाखिल किया और जो समीर मुलकर साहब के पास गए तो उन्होंने राजाराम माने साहब के यहाँ मुख्यमंत्री कमिश्नर से बात की और वो हमारा वहाँ केस पेंडिंग है। तो पहले ऐसा था कि जब एम आई एम का जोर था हम उसके खिलाफ थे, पूरा शहर हमारे खिलाफ था, हम ऐसा समझते थे हमने मुसलमानों से गद्दारी कर दी। मगर उस वक्त मैं एक बात ये बोलता था कि आज तुमको मेरा फैसला गलत लगता होगा मगर आने वाले एक साल में हमारा ये मेरा फैसला सही लगेगा। ये जितने लोग हैं जो मेरे खिलाफ थे आज अल्लाह का एहसान है कि सब लोग राष्ट्रवादी की सदारत के लिए आ रहे हैं। आप पार्टी की सदारत किसको दी है, यहाँ बात विचारधारा की है। कोई जातिवाद पार्टी जैसे हम बीजेपी को बुरा मानते हैं, जैसे हम दूसरी पार्टी को बुरा मानते हैं, जैसे माइन भी एक जातिवाद पार्टी है इसको बुरा मानते हैं। ये जो रहेगा पार्टी का फैसला रहेगा, हम पार्टी के साथ रहेंगे। यहाँ पार्टी फले फूले आने वाले वक्त में या हमारा महापुर बैठे इसके लिए मैं जैसी पार्टी की ताकत रहेगी मदद रहेगी उसके लिए मैं पूरा पूरा योगदान दूंगा। मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए कोई ऐसा लीडर नहीं दिख रहा है सिवाय शरद पवार साहब। इसलिए मैं सोचा कि यहाँ पर मैं आज इंटरव्यू देऊँगा, आज अपनी बातें रखूँगा, अगर वो पार्टी को अच्छा लगेगा तो देगी। जैसे सब लोग आजमाइश कर रहे हैं वैसे मैं आया हूँ, देगी तो अच्छा है, नहीं देगी तो मैं तो हर वक्त तहरीक जहन का हूँ, किसी न किसी नाइंसाफी के खिलाफ मैं हर वक्त मालेगांव शहर में खड़े रहता हूँ, चाहे किसी का भी मामला। पार्टी जिसको देगी हम उसके नेतृत्व में काम करेंगे, तो सब धर्म को सब समाज को सब मजहब को लेकर चले हम उस पार्टी को शहर में मजबूत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी यूसुफ इलियास साहब ने बोला कि शरद पवार जैसा लीडर हमको पूरे महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहा है कि जो माइनॉरिटी और रिक्लैटी सेल को आगे ले जाने के लिए मतलब काम करते थे, इस पे आपके क्या तासुरात है? ऐसा है कि वो नेता है, सुप्रीमो है वो शरद पवार साहब, है ना, और वो काम करेंगे, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और वो तो सुप्रीमो है ना, उनको बोलने की उनको जरूरत क्या उनके बारे में कि क्या है क्या नहीं, वो तो आज पूरा हिंदुस्तान उनके बारे में देख रहा है कि क्या है क्या। लेकिन हमारा बोलना ये है कि जिस तरीके से ये MIM के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेज के ऊपर ये लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, हमने अधिक साहब को अविनाश अधिक साहब से यही कहा कि हम स्टेज लगाएंगे, आप भी ऊपर बात कीजिए। और यहाँ पर एक स्टेज लगा करके ऊपर के हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर आए और इनको 21 लोगों को जैसे कि एक पार्टी के और आ गए, वो उनके भी एक कॉर्पोरेटर है जो जनता दल से चुन गया है, और कल का तो मैंने बावाला में मुझे निकाला दिखा कि जनता दल MIM कांग्रेस सभी के लोग हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नजर आए, बड़ी खुशी की बात है। मैं एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी का, मैं तो चाहूँगा कि हमारे पवार साहब के हाथ मजबूत हो और पार्टी मजबूत हो, इसलिए हमने कहा कि इनको पहले प्रवेश कीजिए। हमारा एक्ट, हमारी पार्टी का प्रिंसिपल भी यही हमको
सिखाता है और यही हमको वो भी देता है कि पहले इनका प्रवेश हो। और जैसा कि ये जो 21 कॉरपोरेटर है, इन्होंने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में एक एफिडेविट दाखिल करें कि हम जो है महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई का हम वीप मानेंगे, ऐसा उन्होंने एक तहरीर तौर पर डिविजनल कमिश्नर को राइटिंग में लिख के देना चाहिए। उसके बाद हम जो है अध्यक्ष पद जो है ये हमारा इंटरनल मामला है, ये कोई झगड़ा या कुछ ये नहीं है, ये हमारा इंटरनल पार्टी का मामला है। हम ऊपर हमारे वरिष्ठों के साथ बैठ करके इसको अच्छे ढंग से हल कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि सब लोग इकट्ठा रहें, सब लोग पार्टी जिस तरीके से कल पार्टी के साथ मजबूती के साथ आए उसी तरह इलेक्शन तक मजबूती के साथ रहना चाहिए, पवार साहब के हाथों को मजबूत करना चाहिए, इतनी मेरी समझ बनती है। और पार्टी हमारी जो फैसला लेंगी वो एक अच्छा फैसला लेंगी, और हमारी बातों को जहाँ तक के डिसिप्लिन का सवाल है, पार्टी का प्रोटोकॉल का सवाल है, वो तो पार्टी ये काम बिल्कुल करेगी। उनको स्टेज पे लाना ही पड़ेगा, स्टेज पार्टी में शामिल करना ही पड़ेगा, और वीप जैसा मैंने कहा वीप के ऊपर उनको डीजल कमीशन में देना पड़ेगा। मालेगांव शहर राष्ट्रवादी की सदारत के मामले में आपको क्या लगता है, मुफ्ती साहब इसमें कितना इन्वॉल्व है? देखो मेरी, आप लोग भी, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े समझदार लोग हैं, आप गली कूचों में घूमते रहते हैं, है ना, तो जैसे एजाज बेग, नाम मैं लेके बोलो, अभी नाम ले, आपने पूछा तो मैं नाम ले रहा हूँ, एजाज बेग, ये मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब खुद आज के स्टेटमेंट में ये कहा कि मेरा बहुत इन्होंने इलेक्शन में काम किया। आज ही स्टेटमेंट मैंने मुफ्ती इस्माइल साहब का पढ़ा। यूसुफ इलियास साहब भी मेरे ऐसे ही करीब, इन्होंने मुझे चुन करके दिया। तो ये सब मुफ्ती इस्माइल साहब के ही मानने वाले लोग हैं, और ये मुफ्ती इस्माइल कासमी को छोड़ करके जाने वाले लोग नहीं हैं। और इसके पस मंज़र में, पर्दे के पीछे से मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब है। हमने कल के इंटरव्यू में भी यही कहा कि मुफ्ती इस्माइल साहब आप डायरेक्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आइए, आपका इस्तकबाल हम करते हैं, आप जैसे 20-21 कॉरपोरेटर के साथ गए वैसे ही आप आ जाइए, ये पद भी खाली है, जैसे आपने छोड़ गए थे वैसे ही खाली है, पद का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा, आप ये पद भी, हम आपको पहले भी कुर्बानी दी, अभी भी हम आपके लिए कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह।